नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पीकेआर स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरा वीडियो लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का पहला प्रश्न है, पारितंत्र में मानव है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सर्वाहारी। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हैं वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र या अलवणीय जल पारितंत्र। तो उसका सही आंसर है फसल पारितंत्र। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जल क्या है? जल क्या है? आपके ऑप्शन है, एक मिश्रण, एक यौगिक, एक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है जल एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, मानव जनसंख्या या ये सभी। तो हमारा सही आंसर है ये सभी। ठीक है दोस्तों, और हमारा पांचवा क्वेश्चन आज का है, वायु क्या है? वायु एक तत्व है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है या एक रत्न है। तो हमारा सही आंसर है वायु एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हमारे ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हीलियम। तो हमारे सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1947 में, 1984 में, 1964 में या सन 2000 में। तो हमारे सही आंसर है 1984 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी है। भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी है। हमारे ऑप्शन है, होला गिब्बन, चिंपैंजी, बंदर या लंगूर। तो हमारे सही आंसर है दोस्तों होलाक गिब्बन। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह एक और भी प्रश्न है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र पाया गया है। ओजोन छिद्र पाया गया अंटार्कटिका के ऊपर, प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर या बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो हमारे आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। हमारा सही आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, 5 जून,
10 मार्च, 15 नवंबर या 20 अगस्त? तो सही आंसर है दोस्तों 5 जून। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, 10 अगस्त, 15 जून या 5 जून? तो उसका सही आंसर है 3 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है। आपके ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या मृदा अपरदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्थल मंडल। ठीक है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो आपके सही आंसर हैं केरल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आपको यूपी टैट चाहे सुपर टैट या और भी जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको लगभग 21 में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।